चिट्ठी लिख करके मेरे दोस्त के अदालत पर भेजा। उस चिट्ठी में कैसे लिखी थी, अलग अलग श्री नुमा बांध के बीच में लिखा बारह पीढ़ी लिखा करा का नागिन सोना। एक बार जी लिखती हूँ खत खून से, स्याही मत समझना, मरते हूँ तेरे याद में जिंदा मत समझना। अच्छा बहुत जोर बीमार पड़ गई हूँ, मुंह देखने के लिए आ जा नहीं तो सोना मर जाएगी। ऐसे बहकावा करके अपने अदालत में अपने गौढ़ी में बुलाई। हम दोनों दोस्त जा पहुंचे तो मेरे दोस्त को पहले सौगंध खिला दिया, शपथ खिलवा दिया और तब बोला जो ये बेटा जंगली बलात्कार कर तो मेरे बेटा किसी के गुस्से पर मेरे दोस्त जो पतन पतन पर बेटा जंगली को कोरा चलाया। मुझसे नहीं देखा गया, मैं बचाने के लिए गया तो मुझसे और दोस्त में हो गया झुरमुट। अच्छा मुझे भी बांध करके कठिन कारागार में बंद देवा जी, मेरा बिहार कहाँ है? बेटा जंगली किस हालत में होगा वे तो भगवान ही जानता है। देवर जी साफ साफ बताइए मेरा बिहार कहाँ है? अरे जैसा कभी ना मैं नहीं ये बता सकता हूँ। जाओ अपने प्रिया बना पति को जो डाक
और सुन लीजिए पतिदेव, मुझसे गलती हुई है, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इस समय बहुत कष्ट में हूँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सुनिए ना पतिदेव, देखिए तुझे पतिदेव, साल भर पे मेला सब आता है, बेटा गया है पाठशाला में पढ़ने के लिए, मोर भगवान इसमें घबराने का क्या। पतिदेव देखिए, सारे बच्चे मेले घूम रहे हैं, मेला में रंग बिरंगे चीजें खरीद रहे हैं, मैं भी एक आदिन अपने पास रख लूंगी, बढ़िया बढ़िया सा खाना बनाकर खिलाऊंगी, एक ही दिन के बाद आप वापस भेज दीजिएगा पतिदेव। मोर रंग वाली, तुम तो मेरे धर्म पत्नी हो। क्यों नहीं पतिदेव, तुम तो जानती हो मेरा गोदी का लाल जंगलिया है, पढ़ेगा लिखेगा आगे चल करके कुछ बन जाएगा, तो डाकू रायचंद को ना। पतिदेव मैं कहां मना कर रही हूँ, मैं तो माता दुर्गा से हमेशा प्रार्थना करती हूँ, मनाती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर विद्वान बने, आप जैसी अपना नाम रोशन किए किला एकावन में, वैसी हमारा बेटा भी आपका नाम रोशन करे पतिदेव। पतिदेव मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, अपने आंचल फैला कर बेटे का भीख मांग रही हूँ। पतिदेव
देव कौन से बेटा चाहिए।